एक सवाल ये भी है कि विद्रोह में वो कौन थे जो पुतिन के लिए ढाल बन गए। पुतिन के संकट मोचकों की ऐसे ही लिस्ट पर एपीएन न्यूज ने रिसर्च की, तो जो तथ्य सामने आए वो आपको भी जानना चाहिए। पुतिन के संकट मोचक। पॉलिटिकल करियर के सबसे मुश्किल इम्तिहान से गुजर रहे व्लादिमीर पुतिन इस बार भी रूस के राष्ट्रपति की गद्दी बचा ले गए, तो इसका क्रेडिट उस कोटरी को जाता है जो पुतिन के साथ लगातार बनी हुई है। लेकिन एक सवाल इंटेलिजेंस फेल्योर का भी है। वैगनर का बॉस विद्रोह का ऐलान करता है तो जाहिर है ये फैसला एक दो घंटे या एक दो दिन में नहीं लिया गया होगा। इसके पीछे कम से कम दो तीन महीनों की रणनीति रही होगी। फिर क्रेमलिन को खुफिया एजेंसियां अलर्ट क्यों नहीं कर पाई? जाहिर है ये कुछ मुश्किल सवाल हैं। लेकिन इससे भी पेचीदा सवाल है कि पुतिन की इनर कोटरी में वो कौन लोग हैं जिन पर पुतिन ट्रस्ट कर सकते हैं। पुतिन के संकट मोचक नंबर एक, दिमित्री मेदवेदेव, रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन, 2008 में रूस के राष्ट्रपति रह चुके हैं। पुतिन के संकट मोचक नंबर दो, सगे लावरोव, रूस के विदेश मंत्री, दो दशक से पुतिन के वफादार। पुतिन के संकट मोचक नंबर तीन, सर्गेई शाइगु, रूस के रक्षा मंत्री हैं शाइगु। प्रिगोजिन ने शाइगु से ही भड़क कर विद्रोह किया था, लेकिन शाइगु की कुर्सी फिर से बची रही। पुतिन के संकट मोचक नंबर चार, जनरल वेलेरी गेरासिमोफ, रूसी सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ। प्रिगोजिन ने जनरल वेलेरी पर भी साधा था निशाना। पुतिन के संकट मोचक नंबर पांच, मिखाइल मिशुस्टिन, साल 2020 से रूस के प्रधानमंत्री हैं मिखाइल। इन पांच के अलावा पुतिन के इनर सर्किल में एफएसबी के डायरेक्टर अलेक्जेंडर बोल्टनिकॉफ, रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी निकोलाई पात्रुशेव और रूस के फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के चीफ भी खास हैं। जहां तक मीडिया में पुतिन की इमेज मैनेज करने की बात है, तो उसका क्रेडिट आरटी यानी रशिया टुडे टीवी चैनल की हेड मार्गरीटा सिमोनयान। स्पेशल एडिशन में आज का सफर यहीं तक। फिर मुलाकात होगी नए मुद्दे, नई घटना, नई शख्सियत से जुड़े तमाम पहलुओं की पड़ताल के साथ। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एपीएन न्यूज।